दिल्ली दरिंदगी केस पर बड़ा खुलासा, 6 महीने पहले भी हुआ था अंजलि का एक्सीडेंट, हवा में उछल गई थी स्कूटी। अंजलि की दोस्त निधि से फिर हुई पूछताछ, दिल्ली पुलिस ने हादसे वाली रात पर किए सवाल, 2 साल पुराने ड्रग्स केस में जमानत पर है अंजलि की दोस्त निधि। एयर इंडिया टॉयलेट कांड के चश्मदीद का दावा, जी न्यूज से बोला आरोपी के नशे में होने की वजह से हुआ हादसा, शंकर मिश्रा ने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। विमान में बदसलूकी के आरोपी शंकर मिश्रा को कोर्ट ने 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा, एयर इंडिया ने भी जारी किया नोटिस, आज 3 सह पैसेंजर के भी बयान दर्ज होंगे। हिमाचल प्रदेश में आज होगा सुक्खू सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार, सुबह 10 बजे होगा शपथ ग्रहण समारोह। आज करनाल बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रूपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। शामगढ़ गांव से शुरू होगी भारत जोड़ो यात्रा, दोपहर 1 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे राहुल गांधी। इंदौर में आज से शुरू होगा 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन, प्रधानमंत्री मोदी 9 जनवरी को करेंगे उद्घाटन, समापन सत्र में राष्ट्रपति मुर्मू होंगे शामिल। देश के कई राज्यों में शीतलहर जारी, दिल्ली एनसीआर में 1.5 डिग्री तक पहुंचा रात का तापमान, आईएमडी ने खराब हवा के लिए भी रेड अलर्ट जारी किया। जोशीमठ के घरों में पड़ रही दरार का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद ने लगाई याचिका, राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग। बिहार के सिवान में बदमाशों ने एक पत्रकार को मारी गोली, अस्पताल में जारी है इलाज, मामले की जांच में जुटी पुलिस। गोवा में बोले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत, भारत की सब भाषाएं हमारी भाषाएं हैं, भारत के सब प्रकार के लोग मेरे अपने हैं, सारी विविधताओं का करूंगा सम्मान। झारखंड में अमित शाह ने सोरेन सरकार पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगाया, कहा सीएम है आदिवासी लेकिन सरकार आदिवासी विरोधी है, हमने किया था काम, हमारे बाद आई सरकारों ने सब तबाह कर दिया। स्विट्जरलैंड के 30 नागरिकों को लेकर के आज बनारस पहुंचेगा गंगा विलास क्रूज, सीएम योगी करेंगे स्वागत। कर्नाटक के बेलागावी में हिंदू संगठन के जिला अध्यक्ष पर जानलेवा हमला, अज्ञात बाइक सवारों ने कार में गोलीबारी की, हमलावरों की तलाश में पुलिस। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में अभी भी जारी है तेंदुए की तलाश, सोसाइटी में तेंदुआ न पकड़े जाने से नाराज लोगों ने हंगामा किया, घरों में बंद लोग हो रहे हैं परेशान। बीजेपी नेता प्रवीण शंकर कपूर ने दिल्ली के उप राज्यपाल को लिखी चिट्ठी, आम आदमी पार्टी के 13 विधायकों को एमसीडी सदन से निलंबित करने की मांग की। पेरू में ड्रग तस्करी के खिलाफ पुलिस का बड़ा ऑपरेशन, कैलाओ शहर में 3 टन कोकीन जब्त की, छापेमारी के दौरान 4 लोग गिरफ्तार। दक्षिण कोरिया में 3 साल बाद मनाया जा रहा है आइस फिशिंग फेस्टिवल, बर्फीली झील पर मछलियां पकड़ने के लिए जमा हुए लाखों लोग। उत्तर कोरिया की राजधानी प्योंगयांग में बड़ी रैली का आयोजन, सत्ताधारी पार्टी के समर्थन में निकाली गई रैली। इजराइल की नई सरकार के खिलाफ प्रदर्शन, तेल अवीव की सड़कों पर उतरे हजारों प्रदर्शनकारी, सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी। टाइग्रेश्रे में कॉप्टिक ईसाइयों ने मनाया क्रिसमस का जश्न, पहले इथियोपिया और टाइग्रे पीपुल्स लिबरेशन फ्रंट के बीच में युद्ध के चलते नहीं मनाया गया था क्रिसमस। तीसरे T20 में भारत ने श्रीलंका को 91 रन से हरा दिया, 2-1 से जीती T20 सीरीज, श्रीलंका से लगातार 5वीं होम सीरीज जीती। दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस साल के पहले ग्रैंड स्लैम से बाहर हुए, पैर में चोट के कारण ऑस्ट्रेलियन ओपन में नहीं खेलेंगे। हॉकी वर्ल्ड कप में हिस्सा लेने ओडिशा के भुवनेश्वर पहुंची वेल्स और जर्मनी की हॉकी टीम, भारत में 13 जनवरी से शुरू होगा हॉकी वर्ल्ड कप 2023। सानिया मिर्जा ने किया संन्यास का ऐलान, दुबई का इवेंट उनका आखिरी टूर्नामेंट होगा, अब तक 6 ग्रैंड स्लैम जीत चुकी हैं सानिया मिर्जा। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रूपए महीना कमा रही है, आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।